तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे जो NHPC जूनियर इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है उसमें नॉन टेक में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने टेक्निकल में एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं। पर अब टेक्निकल की मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब नॉन टेक में वीडियो जो है नॉन टेक में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो NHPC का नॉन टेक है, ठीक है, वो दो हिस्सों में ही डिवाइडेड है सिर्फ। एक तो रीजनिंग है और एक GK है। इसमें एप्टीट्यूड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कभी कभार ट्रिकी हो जाते हैं, तो एप्टीट्यूड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज टाइम वर्क ये सब क्वेश्चन तो इसके अंदर आने नहीं वाले, क्योंकि इसके अंदर रीजनिंग और सिर्फ GK है। ठीक है, तो रीजनिंग और GK का एक जैसा सही रहता है हर पेपर में। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं होती। GK में जो जितना पढ़ेगा वो इतना ज्ञान पाएगा, रीजनिंग में जो जितनी प्रैक्टिस करेगा वो उतनी प्रैक्टिस, मतलब वो उतना सही से कर पाएगा। ठीक है, और जो जितने टॉपिक्स को कवर कर लेगा एग्जाम के हिसाब से। तो रीजनिंग और GK ये ऐसी चीजें होती है जिनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। स्ट्रेटेजी होती है सिर्फ टेक्निकल की, कि टेक्निकल में ये देख के पढ़ना पड़ता है कि आप एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं। जैसे UPPCL JEE का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो UPPCL JEE में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन इसमें NHPC में इन्होंने सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नॉन टेक्निकल में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। नॉन टेक्निकल में आपको क्या पढ़ना है, एक तो रीजनिंग पढ़नी है और एक GK पढ़नी है। अब ये रीजनिंग कहां से पूछता है, ये सबसे बड़ी चीज है कि रीजनिंग में क्वेश्चन कहां से पूछेगा। अब रीजनिंग की कोई स्ट्रेटेजी तो होती नहीं है, टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो NHPC JEE एग्जाम जो होता है वो बाकी JEE एग्जाम्स की तरह से रीजनिंग थोड़ी सी अलग सी पूछता है। कैसे, बाकी JEE एग्जाम में आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है, और अल्फाबेटिकल सीरीज को देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ना सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को। सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक्स को रैंक एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर को दी जाती है, ठीक है, फिर कोडिंग डिकोडिंग को दी जाती है, और एक टॉपिक इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने पढ़ के ही जाना है, वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग और रैंकिंग, इनकी क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकियों के, बाकी JEE एग्जाम्स में। इसकी रीजनिंग जो होती है ना हल्की सी, वो इस तरीके की होती है क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाते हैं ये, ठीक है। और साथ साथ में क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ये बनाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, और क्या बोलते हैं ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद जो इनकी प्रायोरिटी रहती है, उसके बाद ये वेन डायग्राम आपको इसकी रीजनिंग में पढ़ने जरूरी है। ये वेन डायग्राम से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन डालते हैं। इसका पता कैसे होएगा, जिसने पिछली बार पेपर दिया होगा ना उसको पता होगा, एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, उसके बाद वेन डायग्राम का आ जाता है, फिर एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आता है, फिर एक वेन डायग्राम का। यानी सिटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम जो के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। ये इस तरीके से रीजनिंग पूछता है, ठीक है, तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे करके जाना है, ठीक है। तो किसी भी JEE एग्जाम को निकालने के लिए ना नॉन टेक्निकल में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। नॉन टेक्निकल में टॉपिक होता है, टेक्निकल में स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना, फिर से बता रहा हूँ, टेक्निकल में चलती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। कि अगर आप UPPCL का देने जा रहे हैं तो फिर आपको टेक्निकल दूसरे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, NHPC का देने जा रहे हैं तो टेक्निकल उसके सिलेबस वाइज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नॉन टेक्निकल में कभी भी स्ट्रेटेजी नहीं होती। नॉन टेक्निकल में क्या होती है, प्रैक्टिस होती है और लर्निंग होती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया है, ठीक है, पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट आपने अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपने ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ने हैं, वेन डायग्राम अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, फिर आपने जो छोटे टॉपिक्स होते हैं ना रीजनिंग के उन पे जाना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ठीक है। और डाइस और क्लॉक कैलेंडर को बहुत कम लेता है ये, उसको आप स्किप भी कर सकते हो, डाइस और क्लॉक कैलेंडर को पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं लेना, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट इसमें आएगा ही आएगा, ये ज्यादा पूछता है इसमें। इसके प्रीवियस ईयर पेपर जो मर्जी उठा के देख लेना, जिस मर्जी शिफ्ट का, सिटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम से क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से ये पूछता ही पूछता है, और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन इसी के रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनालॉगी के रहेंगे आपके, ठीक है। अब जब ये टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे, अब दूसरी बात आती है GS की। GS पढ़ने के से
जीएस जो पढ़ने का स्टाइल होता है इसमें, वो ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे पूछता है, ठीक है, और जीएस सेक्शन ही इसका डिसाइडर होता है कि कौन बंदा इसमें निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि जीएस का पोर्शन इसमें बहुत ज्यादा है, 30 नंबर का है, ठीक है, और जीएस पोर्शन ही डिसाइड करता है कि इसकी कट ऑफ हाई जाएगी या लो जाएगी। यदि जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल का आया तो आप उसको स्किप ही करना, क्योंकि दूसरा जो डिप्लोमा होल्डर होगा या लेटरल एंट्री बीटेक होल्डर होगा, ठीक है, इसमें जो बीटेक अलाउड नहीं होती, इसमें वो वाला ही बीटेक वाला भरता है जिसने लेटरल एंट्री से बीटेक करी हो। लेटरल एंट्री से जो बीटेक बंदा करता है ना, वो हर कोई नहीं होता, ठीक है, इसमें डायरेक्ट बीटेक अलाउड नहीं है, ये भी मैं बात बता दूं, एनएचपीसी में डायरेक्ट बीटेक अलाउड नहीं है, एसएचपी इलेक्ट्रिकल टाइप बीटेक अलाउड है, ठीक है ना, मतलब लेटरल एंट्री वाली, जैसे एसएचपी इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइबर है ना लेटरल एंट्री के थ्रू, ठीक है, वो वाला अलाउड है, मैं अलाउड हूं, ठीक है, तो इस तरीके से यही वाले सिर्फ अलाउड है, ठीक है, और तो इसका जो टेक्निकल तो रहेगा वो डिप्लोमा के आजू बाजू रहेगा। हाँ, जीएस का जो सेक्शन रहेगा इसमें, जीएस के सेक्शन में यदि जीएस टफ आई तो आप उसको स्किप ही करना, क्योंकि दूसरे डिप्लोमा होल्डर को भी वो टफ ही लगेगी। अच्छा, जीएस के टॉपिक इसमें किस प्रकार होते हैं, जितनी वेटेज स्टैटिक जीके की होगी उतनी ही वेटेज करंट अफेयर्स की होगी। कैसे, जैसे 30 नंबर की जीएस है ना, तो 14-15 के आसपास करंट अफेयर डाल देगा और 14-15 के आसपास डाल देगा स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हिस्ट्री और पॉलिटी के। पॉलिटी और ज्योग्राफी को ज्यादा लाइमलाइट में लेता है, ठीक है, जिसने पिछली बार पेपर दिया होगा उनको भी याद करा रहा हूं कि अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना, ठीक है, कि पेपर इसी तरीके से आएगा। ज्योग्राफी और पॉलिटी को ज्यादा तवज्जो देता है ये, उसके बाद ये हिस्ट्री को देता है। हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी ज्योग्राफी और थोड़े बहुत इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, और साथ साथ में करंट अफेयर्स पूछता है ज्यादा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हिस्ट्री पे थोड़ा कम ध्यान देना है, ज्योग्राफी और पॉलिटी को ज्यादा पढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो जीएस का सेक्शन होता है उसमें एक क्वेश्चन जीएस का होएगा, जीएस में जैसे एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहा, फिर दूसरा क्वेश्चन एकदम पॉलिटी का आ जाता है, फिर ज्योग्राफी का आ जाता है, फिर पॉलिटी का आ जाता है, ऐसे इसकी सीरीज चलती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके जीएस को प्रिपेयर करना है। और हाँ, जीएस इसमें ना कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ये जीएस बहुत ज्यादा टफ आ गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो सबके लिए ही टफ आएगा, और यदि जीएस मॉडरेट रहा तो जीएस को वैसे भी कोई कवर नहीं कर सकता, तो जीएस में तो थोड़ा लक भी चलता है, ठीक है, थोड़ा आपका हार्डवर्क भी चलता है, ठीक है भाई, जो आप पढ़ के गए वो आ गया जीएस में, नसीब में रहा आपके तो आप टिक कर जाएंगे, नहीं रहा तो आप स्किप ही करिए, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है, और जीएस टफ आया तो सबके लिए आएगा। रीजनिंग से आपको नंबर बटोरने और टेक्निकल से नंबर बटोरने हैं, यही इसकी स्ट्रेटेजी है नॉन टेक्निकल की। तो अब मैं फिर से ब्रीफली बता देता हूँ रीजनिंग के अंदर आपने कैसे पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर आपने जो तवज्जो सबसे ज्यादा देनी है वो सिटिंग अरेंजमेंट को देनी है, उसके बाद आपने देनी है वेन डायग्राम्स को, उसके बाद आपने देनी है ब्लड रिलेशन को, ऐसे पढ़नी है इसमें रीजनिंग, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ दिया, फिर वेन डायग्राम्स को, फिर वेन डायग्राम के बाद जो रीजनिंग आपने पढ़नी है वो पढ़नी है इसमें नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, और फिर हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज, वो तब पढ़ने हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो मैंने बता दिया सबसे ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन होते हैं और ब्लड रिलेशन से और वेन डायग्राम से, ठीक है। उसके बाद जो जीएस है, जीएस में आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, हिस्ट्री थोड़ी सी कम पढ़नी है, हिस्ट्री में बैटल वैटल से पूछ लेता है लेकिन इतना इनडेप्थ नहीं जाता, ठीक है, बिल्कुल ही इनडेप्थ नहीं जाता बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपने करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए और आपका ये आराम से एग्जाम निकलेगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है एसएससी जेईई टाइप कि भाई बीटेक एमटेक वाला भी अलाउ है और आपसे हो नहीं पाएगा और आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पिछली बार तो यार सोचने वाली बात है, 30 सीट थी, उसके बावजूद कट ऑफ इतनी कम सीट में 142 कट ऑफ गई थी, इस बार तो 74 सीट है, डबल, ये तो अच्छा मौका है, ठीक है ना, ये तो बढ़िया मौका है बल्कि एनएसपीसी को क्लियर करने का, ठीक है, तो थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में पूछ के जा रहा हूं, जिन बच्चों का नेटवर्क कमजोर है तो क्या मैं नेटवर्क पढ़ाऊं आपको, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करा दो आपके नेटवर्क के, ठीक है, जैसे लूप क्या होता है, नोड क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ब्रांच, ठीक है, नोडल एनालिसिस, केसीएल, केवीएल, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इनके एमसीक्यू और इनके थ्योरी वगैरह, सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, बता दूं क्या, क्योंकि भाई इसमें नेटवर्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा स्ट्रांग है,
ठीक है, मैंने दोनों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बोलो भाई, कराऊं क्या नेटवर्क? हाँ या ना से बोल दो, हाँ तो यस कर देना, ना तो नो कर देना। ठीक है, पढ़ाऊं नेटवर्क? ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो जो सब्सक्राइबर हैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नेटवर्क पढ़ाऊं क्या? ठीक है, कराऊं क्या नेटवर्क के क्वेश्चन? ठीक है, थ्योरी थ्योरी सब क्लियर करा दूंगा, लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, सारा कुछ बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो बोलना भाई, पढ़ाऊं क्या रोज नेटवर्क?